हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने वीडियोस के द्वारा स्टूडेंट्स के बेसिक्स को, टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर सकूं, जिससे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करने में कैपेबल हो सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट का काम होता है किसी न किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड कराना। और किसके लिए ये प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, वो होते हैं कस्टमर। करंट बिजनेस सिनेरियो में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करना, उनको इम्प्रूव करना किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन चुका है। और इसका मेन कारण है LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमीज़ के लिबरल होने से, प्राइवेटाइज्ड होने से, ग्लोबलाइज्ड होने से कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन तेज़ी से बढ़ चुका है। आज कस्टमर के सामने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करने के लिए ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक कस्टमर ड्रिवन टर्म है, यानी कस्टमर जो सोचता है दैट इज़ क्वालिटी। कस्टमर जिस स्टैंडर्ड पर सेटिस्फाइड फील कर रहा है दैट इज़ क्वालिटी। जब प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के लिए फिट फॉर यूज़ है दैट इज़ क्वालिटी। जब प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रही है दैट इज़ क्वालिटी। इवन एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा रही है दैट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी जो टर्म है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, यानी कि अलग अलग कस्टमर अलग अलग एक्सपेक्टेशन रख सकता है। उसके लिए क्वालिटी का मीनिंग अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। सो क्वालिटी एक ऑब्जेक्टिव टर्म ना होकर सब्जेक्टिव टर्म है। इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं और उससे हम समझ सकते हैं। जोसेफ जुरान के द्वारा दी गई क्वालिटी की जो डेफिनेशन है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, दैट इज़ फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पज़ इज़ अ डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी दैट इवेल्युएट्स हाउ वेल द प्रोडक्ट परफॉर्म्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। वहीं फिलिप क्रॉसबाई कहते हैं कि क्वालिटी इज़ द कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस। इट इज़ टू फाइंड आउट हाउ वेल अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स द टारगेट्स एंड टॉलरेंसेस डिटरमिंड बाय इट्स डिज़ाइनर्स। हमें ये तो समझ में आ गया कि क्वालिटी को मेंटेन रखना, इम्प्रूव करना कितना इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट ऑर्गेनाइजेशन इसे कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। किन किन अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है, आइए उसे समझते हैं। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए मेनली टू अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच कहती है आइडेंटिफाई डिफेक्टिव कमोडिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड लॉट एंड डू नॉट लेट देम रीच टू द कस्टमर्स हैंड। यानी कि जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद लॉट क्रिएट होता है उसको चेक करना और उसमें से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके हटा देना, जिससे कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट पहुँचे, डिफेक्टिव पीस ना पहुँचे। और दूसरी अप्रोच कहती है प्रिवेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव गुड्स ऑल टुगेदर। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के समय पर ही प्रोडक्ट को डिफेक्टिव होने से रोकना। अब ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों अप्रोचेज में से किसी भी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अप्रोच ए ज़्यादा ईजी नज़र आती है, लेकिन बी का यूज़ करना कंपनीज पसंद करती हैं, क्योंकि अप्रोच ए ईजी तो है बट ये कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ा देती है, जिस वजह से कस्टमर को क्वालिटी तो मिल सकती है बट कॉस्ट भी ज़्यादा देनी होगी। जबकि अप्रोच बी से ओवरऑल क्वालिटी अचीवमेंट के साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंसी भी बढ़ती है, यानी कम कॉस्ट में बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाता है। समय के साथ साथ अप्रोच बी को यूज़ करने के तरीके में नए नए कॉन्सेप्ट आते गए हैं, जिन्हें हायरार्की ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुए हैं उनको देखते हैं।
क्वालिटी को मैनेज करने के तरीके स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होते गए हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज़ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड लास्टली द मोस्ट रिसेंट कॉन्सेप्ट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट सबसे पुराना तरीका है क्वालिटी को मैनेज करने का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। इसके लिए इंस्पेक्शन, टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिससे जितना जल्दी हो सके जो मिसमैचिंग है उसका पता किया जा सके और उसे रेक्टिफाई किया जा सके। इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट के तौर पर क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट ने कैसे अप्रोच बी को और बेहतर बनाया, आइए उसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को तो कंट्रोल किया ही जाता है, जो कि इंस्पेक्शन एंड टेस्ट में किया जाता था, बट इसमें मैन्युफैक्चर होने से पहले मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करने पर ध्यान दिया जाता है। ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद में इन प्रोसेसेस को मॉनिटर किया जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस हैं या नहीं, डेविएशंस को वहीं के वहीं ठीक किया जाता है, जिस वजह से प्रोसेस के ठीक होने से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट के एरिया में इम्प्रूवमेंट के तौर पर जो कॉन्सेप्ट आया वो था क्वालिटी एश्योरेंस। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया गया, बट इसके साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जितनी भी प्रोसेसेस जिम्मेदार हैं, जितनी भी प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी पर एक साथ ध्यान दिया गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन एट्सेट्रा। ये जितनी भी प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उन सबको मॉनिटर किया जाता है, डेविएशंस यानी कि कमियों को पता किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और कमियों को कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस वो कॉन्सेप्ट है जो कि अल्टीमेटली ये अश्योर कर देती है कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डिफेक्ट होने के चांसेस निल हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कंपनीज के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वे अपना स्पेसिफिक क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल बना सकती हैं, या रेडली अवेलेबल मॉडल जैसे कि ISO 9000 सर्टिफिकेशन आदि को फॉलो कर सकती हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो सबसे नया कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्वालिटी को सिर्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अदर रिलेटेड प्रोसेसेस जो कि किसी क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, बस वहीं तक नहीं देखता, बल्कि ये कॉन्सेप्ट क्वालिटी को ऑर्गेनाइजेशन की ईच एंड एवरी यूनिट, एवरी प्रोसेस, एवरी प्रोसीजर के रूप में देखता है। यानी ये कॉन्सेप्ट टोटैलिटी में क्वालिटी की बात करता है। जिस तरीके से कंपनी सप्लायर होती है, किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रत्येक यूनिट किसी दूसरी यूनिट के लिए सप्लायर होती है और किसी यूनिट के लिए एज अ कस्टमर वर्क करती है। तो अगर हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो प्रत्येक सप्लायर को, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिट वाइज सप्लायर्स क्यों ना हों, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा प्रत्येक दूसरी यूनिट को, चाहे वो डेटा के रूप में हो, इन्फॉर्मेशन के रूप में हो, रॉ मटेरियल के रूप में हो, स्किल्ड वर्कर्स के रूप में हो, यानी इन टोटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी को मेंटेन करना होगा सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ कस्टमर जो यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कस्टमर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कारू इशिकावा ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि यदि सभी इंटरनल कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो एक्सटर्नल कस्टमर जो कि एक्चुअल में कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे ही होंगे। सो जो TQM है यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी चेन जनरेट करने की बात करता है, यानी कि
एक चेन जनरेट की जाती है क्वालिटी की। सो ये एक जर्नी है जिसमें कि एक्सीलेंस की तरफ बढ़ा जाता है, साथ ही साथ ये एक एंडलेस जर्नी भी है, यानी कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज़ द सोल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इन सभी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए इस टेबल का यूज़ किया जा सकता है। इस टेबल में क्वालिटी मैनेजमेंट किन किन स्टेजेस से गुजरा है वो मेंशन है, और किन स्टेजेस में एरिया ऑफ फोकस क्या रहा है उनको मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ उन क्वालिटी मैनेजमेंट स्टेजेस का स्कोप कहाँ कहाँ पर था, इन सारी चीज़ों को इस टेबल में एक समराइज्ड रूप में दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।